हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, अभी मेरी वेकेशन कंटिन्यू ही है और हम लोग आ गए हैं मियामी। और कल हम ये होटल में पहुंच गए थे, नाइट स्टे लिया, और आज हम जा रहे हैं की वेस्ट। 4 आवर्स ड्राइव है यहाँ से। लेट्स सी हम लोग कब तक वहाँ पहुँच पाते हैं। और वहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्नॉर्कलिंग बहुत सारी होती है, तो हम लोग स्नॉर्कलिंग करने का प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जो यहाँ का सदर्न मोस्ट पॉइंट है US का, उसके आगे सिर्फ पानी पानी है, वो देखेंगे। और ये वाले होटल का आपको मैं प्राइवेट बीच दिखाती हूँ। देखो विंडो से कितना प्यारा व्यू है। शुरू तराटो, ये इस होटल का प्राइवेट बीच है। और इस तरफ भी आपको थोड़ी दूर पे ऐसे पानी जैसा, बीच जैसा ही दिखेगा। तो चलिए फिर भाई, मिलते हैं, बाय। की वेस्ट आ गए हैं और अब हम यहाँ से वॉक करते हुए सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ USA देखने जा रहे हैं। एंड इट्स एन अमेजिंग पॉइंट टू सी द अटलांटिक ओशन। This is one of the most scenic and photographed spot of the Key West. यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए लाइन लगी रहती है। देखिए कितनी लाइन लगी हुई है। Yeah.
सदर्न मोस्ट पॉइंट से लौटते टाइम बहुत गर्मी हो गई थी, तो हमने सोचा गर्मी से राहत के लिए कुछ लिया जाए, तो यहाँ पर हम पीना कोलाडा एंजॉय कर रहे हैं। अब हम की वेस्ट के जो लोकल मार्केट है वो एक्सप्लोर करने आए हैं, और ये जो शॉप है इसमें आगे आपको मेड इन इंडिया ड्रेसेस भी दिखेंगी। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और चलिए फिर ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।